हाँ यार, मेरा भी फेवरेट है हिस्ट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी मीन्स मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइन इज हिस्ट्री। अर्लियर मैम इतनी मजा आती है हिस्ट्री करने में, एक एक चीज याद हो जाती है और अच्छा मैम लगता आप है, स्टोरी यूपीएससी जैसे। यस मैम लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दिस है ना। सेकेंड सेकेंड मोस्ट फेवरेट इज माइन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आई लव टू रीड कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छा लगता है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में। फाइन सो चिल्ड्रन डेली डेली आई विल नॉट टेल यू टू कीप ऑन योर वीडियो। वेरी गुड। यस मैम, आई एम स्टार्टिंग माय वीडियो। यस प्लीज कीप ऑन योर वीडियो बिकॉज नेहा मैडम इज टेकिंग अटेंडेंस। लव ये क्या दिखा रहे हो बेटा आप? ओके सो ऑल ऑफ यू आर अनम्यूटेड फ्रॉम माई साइड। फाइन चिल्ड्रन। यस ओके भूमिका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज वी विल ऑलरेडी रिवाइज द चैप्टर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना। सो टुडे वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट पार्ट व्हिच इज रिमेनिंग यस्टरडे। विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर एंड कंप्लीट आवर रिवीजन। ओके सो वी विल वेट फॉर 2 more minutes। अदर स्टूडेंट लेट देम ज्वाइन टिल देन। यू कैन डिलीवर टुडेज न्यूज हेडलाइंस। यस मैम, आई कह रहा है रीड न्यूज यस हेडलाइन प्लीज। ऑफ टुडे। यस प्लीज। मैम रीडिंग ना जस्ट। मैम एयरटेल हाँ वन बाय वन यू कैन टेल बेटा। भूमिका। मैम फर्स्ट टुडे भूमिका टेल देना है। ओके भूमिका टेल। ओके यस मैम। बिल गेट्स टोल्ड दैट नेक्स्ट 4 to 6 months कोविड-19 वुड बी बिकम द वर्स्ट टाइम ऑफ आवर होल टाइम। यस सो पीपल बी केयरफुल। मैम कहना है, मैम नाउ कहना है यस आफ्टर चैतन्य पुलकित यू ट्विटर टू शट डाउन अरे भाई स्कोप पुलकित, रुक स्ट्रीमिंग जा दैट रुक बाय जा रुक मार्च जा, ट्वेंटी ट्वेंटी वन पुलकित। वन बाय वन बेटा नॉट इन दिस वे। इफ समवन मैम इज बट यू सिटिंग टोल्ड दैट मेरे बाद पुलकित पड़ेगा। यस पुलकित आफ्टर चैतन्य। हाँ यस चैतन्य यस मैम, आई सॉरी वाज टेलिंग आईआईटी बॉम्बे में ओपन मैम। यस कैंपस टू अ फ्यू फाइनल ईयर अंडर ग्रेड्स। यस पुलकित नाउ यू कैन। पुलकित लिटिल बिट गो बैक, थोड़ा सा पीछे जाओ। सेट योर कैमरा। कैमरा थोड़ा सा टिल्ट करो अपना। हाँ इट्स ओके नाउ। ओके नाउ डिलीवर टुडेज न्यूज हेडलाइन। यस मैम, हम्म। ट्विटर टू शट डाउन कृषि को बाय मार्च 21। सेम टू सेम न्यूज बोथ ऑफ यू डिलीवर्ड। ओके फाइन सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। नो मैम, मैं ये पहले बोल रहा था, मैं आप मेरा बोल। मना कर दीजिए मैम। नहीं बेटा मना नहीं किया। मेरा कहना ये है ना कि एक साथ बोलने से समझ में नहीं आता ना, इसलिए वन बाय वन। हाँ उसके बाद बोलने के लिए। यस ठीक मैम, है। ओके नाउ बी यस मैम, रेडी फॉर द क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ यू हैव टू आंसर। अगेन आई एम टेलिंग प्लीज कीप ऑन योर वीडियो। नेहा मैम इज देयर, शी इज टेकिंग अटेंडेंस। सो इफ यू विल बी विदाउट वीडियो मार्क विल मार्क एज एबसेंट एंड वी आर अंडर ऑब्जर्वेशन चिल्ड्रन। सो मस्ट ऑन वीडियो। ओके चारू वेरी गुड। सक्षम शैली ऑन योर वीडियो। हियर आई एम एबल टू सी शौर्य पुलकित चैतन्य लव्य लावण्या साक्षी अरहम तन्वी श्रेयांश जैन चारू सक्षम जैन ऋषिका। एंड वॉट अबाउट द रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन? महक साक्षी गुड। ओके Now listen the question carefully and then answer. The legal system that originated in England and it is now in US, sorry, in use in the United States, which relies. Ma'am, can you repeat the can you question? repeat that only? Okay, fine. The question is bit twisted. That's why you are asking. So listen it carefully. The legal system that originated in England
and is now in use in the United States, which relies on the articulation of legal principles in the historical succession of judicial decisions. Okay. A bit complicated. It's not complicated. If you will listen the option, you will got to know what the question is trying to ask. Options are mild minor, second is case law, third is common law, fourth is Sir William Blackstone. Ma'am, please repeat your voice a little bit. Sir William. देखो, the question is the legal system that originated in England. इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ है बट नाउअडेज इट इज यूज इन यूनाइटेड स्टेट टू क्या हो सकता है कौन सा दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल सक्सेशन ऑफ जुडिशियल डिसीजन ऑलरेडी आई आस्क दिस क्वेश्चन नाउ आई जस्ट ट्विस्टेड द क्वेश्चन दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग ऑप्शंस आर माइल्स मिनर मैम ऑप्शन केस लॉ थर्ड इज कॉमन लॉ फोर्थ इज सर विलियम ब्लैकस्टोन मैम कॉमन लॉ Yes, common law is right answer. ये आपने तुक्का मारा है। Yes, ma'am. तुक्का नहीं मारा मैम जो legal system है मतलब मैम इसे समझ में आता है कि ये system legal है मतलब right है तो of course normal रहता है वो मतलब उसको मतलब जो legal हो गया है ना legal मतलब most of the areas में follow हो रहा है और मतलब common भी तो हो गया because public है Yes. तो ऐसे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राइम्स कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क आई एम रिपीटिंग क्राइम्स कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट और द कंप्यूटर नेटवर्क फर्स्ट एम्बेजमेंट सेकेंड टॉर्ट थर्ड कॉमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड फोर्थ साइबर क्राइम साइबर क्राइम क्राइम यस साइबर क्राइम इज राइट आंसर तुम क्वेश्चन समझ नहीं आया अरे क्राइम्स कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट और द कंप्यूटर नेटवर्क जो नेटवर्क मैम आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दो ना हम लोग आंसर आप भले ही चैट बॉक्स में क्वेश्चन और ऑप्शन दे दो हम लोग आंसर दे देंगे माय वॉइस इज नॉट क्लियर यस मैम दैट्स व्हाई समझ नहीं आ रहा है बॉडी ऑफ लॉ दैट डिफाइंस क्राइम्स एंड द पनिशमेंट्स लिसन इट केयरफुली द बॉडी ऑफ लॉ that defines crimes and the punishments that go with them. First, can I tell? Yes. Law. हाँ? भाई ऑप्शन तो दिए ही नहीं यार और ये पुल के आंसर दे दिया. ऐसे नहीं बोलो चेतन ने. Criminal law में criminal law. Yes, criminal law. Criminal law is right answer. मैम ऑप्शन के पहले यार पब्लिक क्राइम्स दैट आर हाईली विजिबल टू द पब्लिक ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीट क्राइम ऑप्शन आर ए ऑर्डिनरी क्राइम बी स्टेयर डिसीजेस थर्ड विजिबल क्राइम फोर्थ Street crime. How means what? Crimes that are highly visible to the public, जो public में बहुत generally होता है, that is ordinary crime. अच्छा. So again and again I'm telling बेटा, we have. Ma'am, you said the street crime or strict crime? Street, गली गली वाला street.
okay. ना, जैसे कि किसी को कोई बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, पत्थर उठा के मार दिया, कोई किसी को अब्यूज कर दिया, लाइक दैट. इज इट क्लियर मैम? अच्छा, जैसे कोई चोरी करके भाग गया, लड़ाई झगड़ा कर लिया. यस, कॉमन कॉमन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑर्डिनरी क्राइम. मैम, बट स्ट्रीट क्राइम भी तो बोल सकते हैं ना, स्ट्रीट भी तो पब्लिकली विजिबल रहता है. So that's why I'm telling, concentrate on the question. Street crime is already given on your question. It is already given. Okay? A series of book containing the written judicial opinion of particular court. ये नहीं, leave this. Wait a moment, beta. Okay. Which of the following is a weakness of the system perspective of criminal justice? I'm repeating, listen it carefully. Which of the following is a weakness of the system's system's perspective of criminal justice? A, it assumes that ma'am, your voice is not coming clear. So be in a proper network, because I ma'am, it's clear. I know it is clear, but I'm in school, and in school we have strong network connectivity. Okay. So if you are not able to listen me, please come in a proper network area and listen. Which of the following is a weakness of the system perspective of criminal justice? A, it assumes that destruction is limited and outcomes are certain. B, it assumes all criminal justice agencies collaborate efficiently. C, it assumes that agencies agree on system goals. D, all of the above. All of the above. Ma'am, option all, ma'am, all, last all one. The, ma'am, option D. Ma'am, option D. Anybody can justify the answer? I can justify. Ma'am, aap meko pehla option do. Main ek ek option ko ekdam mast explain kar dunga. Pehla option kya tha? It assumes that discretion is limited and outcomes are certain. नहीं नहीं मैम, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा. ऑप्शन डी तो ऑल ऑफ द अबव है मैम. मतलब ये मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है. नहीं नहीं, इफ यू आर सेइंग ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, इट मींस इट इज देयर ऑप्शन, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ दैट, है ना. बी, इट अज्यूम ऑल क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज कोलैबोरेट एफिशिएंटली. सी, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी. सिस्टम गोल्स, एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. मैम, हाउ मैम, डिस्ट्रक्शन लिमिट मतलब कैसे? क्राइम तो इतने ज्यादा है. इट्स नॉट डिस्ट्रक्शन, इट्स डिस्क्रिशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, डिस्ट्रक्शन, तभी मैं कंफ्यूज हो गया. यस मैम, सॉरी मैम, रिस्ट्रिक्ट मैम, फिर मेरा ऑल ऑफ द अबव, मेरे को गलत सुनाई दिया था वर्ड. ठीक है. डिसीजन अबाउट व्हाट लॉज शुड बी क्रिएटेड are often based on decisions about what laws should be created are often based on morality, leadership, historical study, crime data. Social study. Repeat the question. Decisions about what laws should be created are often based on समझ में आया? मैम ऑप्शंस. यस, ऑप्शंस आर. हां, ये समझ में आ गया. आगे का बोलिए प्लीज. लुक एट हियर, चेक योर चैट बॉक्स. डिसीजन अबाउट व्हाट लॉज शुड बी क्रिएटेड आर ऑफन बेस्ड ऑन मोरलिटी, लीडरशिप, हिस्टोरिकल स्टडी, क्राइम डाटा. क्राइम
क्राइम डेटा क्राइम Yes, Suryansh, morality is right answer. Suryansh, morality is right answer. Yes. Then, how? Crime data के ऊपर decision नहीं लिया जाता बेटा, morality के ऊपर लिया जाता है decision. मुख्य Okay. Ma'am, please ऐसी chat box पे लिखना ना, फिर सही answer दूँगा. Having a sound theoretical understanding of criminal justice issues can A. aid criminal justice professionals in enforcing the law. Okay. B. aid in developing effective crime policies. C. aid in understanding the functions of criminal justice. D. All of them. Ma'am, aid criminal justice. Ma'am, oh sorry, all of the above. All ma'am. Of the Ma'am, option C. Suryansh is saying option C. Sur is saying option C. Lavya is saying option B. Saksham is saying option D. In this way, all are saying A, B, C, D. Now, the answer is not in my hand. कि मैम आपको जो ठीक लगता है आपको समझ जाओ. मैं option D बोल चुका हूँ शुरुआत में. Yes. मैम मैं शुरुआत में Yes, Pulkit. Yes, Pulkit. Correct. Having a sound theoretical understanding of criminal justice issues can aid criminal justice professional in enforcing the law. True. Aid developing effective crime policy. And understanding the function of criminal justice, true. It means all of the above. All of the yes, that. Yes. अच्छा इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ आपके चैट बॉक्स में. पेस्ट. The Chaitanya, don't make sounds. Now the question is, a crime is usually considered cleared when the police arrest a suspect. No, option C. Let me complete the question first. Option B, a suspect confesses to a crime. Option C, the defendant is found guilty in court. The defendant is sentenced. A crime is usually considered. Ma'am, option C. Option C is right answer. Good. Option C is absolutely right answer. Option C. Under which article of Constitution? Every person has the fundamental right to be defended by a lawyer. I'm not going to give you any option here. क्या the fundamental right? Can you repeat the question? Will you please keep quiet? Under which article of the Constitution, every person has the fundamental right to be defended by a lawyer? Ma'am, 21 या फिर 18? Very good. Laksh, Ishika are saying right answer. 14? Article 22. Ma'am, I bahut close tha, 21. Acha, then after you are wrong, na? Who are the players in the criminal justice system? Jaldi batao, without any option. Ma'am, not key players. I'm judge, lawyer. Not in this case. I'm judge, lawyer. Police, public prosecutor, judge. Yes.
police also. A criminal offense is regarded as. कल मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, इफ यू आर आपको याद होगा तो. मैम क्राइम. नो, इट इज अबाउट पब्लिक रॉन्ग, पब्लिक वेलफेयर, प्राइवेट रॉन्ग, पब्लिक सेफ्टी. मैम राइट. राइट. पब्लिक रॉन्ग. पब्लिक वेलफेयर. मैम पब्लिक रॉन्ग. पब्लिक रॉन्ग. पब्लिक रॉन्ग. Pehel is absolutely right. That's why I'm saying, children, first of all, listen the question properly, then try to answer. Na yes. Aap class se kahin bhaag ke ja rahe hain, na main class se kahin bhaag ke ja rahi hu, hum sab yahi kar rahe hain, theek hai? Yes. Right. Which is not, listen it carefully, Chaitanya, which is not the responsibility of the public prosecutor to represent the interest of the state, also represent the interest of the witness, has to act impartially. The prosecutor must conduct the prosecution. Option C. Option B. Option B. Option B. In the interest of witness. I ask, which is not responsibility of the public prosecutor. अच्छा not फिर तो option B. तुम लोगों ना क्या बताओ? I am telling you, beta, Chaitanya, listen the question carefully. ऐसे आपने यही same करती exam में भी करते हैं ना? हाँ. Which is not applicable in open court. Not. Underline inverted comma. Which is not applicable. Ma'am inverted comma. Which is not applicable in open court. A. The police cannot be present during the proceedings. What is the option B? What is held in the presence of the accused? Option C. People can see the whole proceedings. Option D. Hearing of the case in front of viewers. Option C. Option B. Wrong. Option C. B. Ma'am, option D. Wrong. D. Ma'am, option D. D. Option A. Ma'am, option A. ऐसे करोगे ना तो मैं आप लोगों को सबको म्यूट कर दूंगी, फिर एक एक करके हाथ उठाना, ठीक है? मैम सॉरी. ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, विच इज नॉट एप्लीकेबल इन ओपन कोर्ट. द पोलिस कैन नॉट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग. द पोलिस कैन नॉट बी प्रेजेंट द प्रोसीडिंग. अगर पुलिस को वो करना होगा जैसे कुछ प्रूफ बताना होगा तो भी नहीं हो सकती तो है. सारे जो एविडेंसेस है वो सारी चीजें क्या करती है पुलिस, वो सारी चीजें कलेक्ट करके वो फाइल बना करके जब चार्जशीट करती है तो कोर्ट को हैंड ओवर कर देती है. उसके अकॉर्डिंग फिर वो इन्वेस्टिगेशन जो भी आता है उसको भी हैंड ओवर कर देती है. समझ में आया सूर्यांश? अब नाउ लिसन. मैम मैम इन द फेयर ट्रायल. यस मैम. इन द फेयर ट्रायल बाय द पुलिस एंड द कोर्ट गिव्स द कॉपी व्हिच यू आर आस्किंग सूर्यांश. इन द फेयर ट्रायल चार्जशीट फिल्ड बाय द पुलिस एंड द कोर्ट गिव्स द कॉपी टू द अक्यूज्ड एंड केस आर डिस्कस्ड इन द ओपन कोर्ट. Where everyone can hear the case on the basis of evidences, judgment are taken. Got it? Is it clear? Yes. Yes. Which of them? Yes, ma'am. Not. Which of them is not true about the FIR? Again, listen the question. Which of them is not true about the FIR? First, the police begin the investigation after registration of FIR. The complainant may not sign the FIR. There is a prescribed form to register an FIR. The FIR mentions the date, time, and place of the offense. Option B is right answer. Why did some? छोड़ो ये बेस्ड कहानी.
Okay, who are the importance of the court of law in our legal system? Providing documents, provide justice, provide wealth, none of these. Provide justice is important. Okay. Next is, what is an offense? Act defines as relief. Act defines as punishment. Act defines as a crime. None of act defined as crime. Option C defines as crime. Absolutely right. Option C defines as crime is right. Okay. Next question. Let it go. Which of the following is not mentioned in the four key players in criminal justice system? Which of the following is not mentioned in the four players in the criminal justice system? A. Police. B. Villagers. C. Judges. D. Defense lawyers. Option B is correct answer. Fine. Now, what are civil cases? A. Cases of private right. आप लोग बिना ऑप्शन के बोल सकते हैं आंसर. Private right. Some cases of private right. Is right answer. Cases of private right. Yes. Right answer. Now true or false. You need to say only true or false. चिल्लाना नहीं है किसी को भी. If you will simply say, I am able to hear all the answers. Okay. The judge is like an umpire in game and conducts the trial impartially and in an open court. False. It's true, beta. Judge is always an umpire. What is the role of umpire in the game? To decide who is guilty and the final decision judge. Is taken by umpire only. अपनी तरफ से अप्रोच करते हैं, अपील करते हैं, आउट दैट. बट ये होता कब है, जब अंपायर डिसीजन देते हैं. उसी तरह से अक्यूज को कितना भी हम बता क्यों ना कि वो द पर्सन इज गिल्ट और नॉट, जब तक जज डिसीजन नहीं देंगे इट विल बी नॉट वैलिड. आई हैव अ डाउट. Yes, ask me. Hello. Ma'am, I have a doubt. Yes, ask. Hello. Ma'am, if the guilty, मतलब वो खुद स्वीकार कर रहे कि वो मतलब ऐसा मुजरिम है, तो फिर भी जज का लगेगा कि वो बिना जज के भी जाए वो सॉल्व. फिर भी जज लगेगा बेटा, क्योंकि sometimes what it happens by any forcefully people accept the that particular crime whatsoever is happened is done by them. Him or her, है ना? Sometimes not true. Okay, ma'am. The major duty of judge or the criminal justice system to keep on the truth in front of all the people and make justice for all. Okay. Ma'am. So it. Ma'am, I have a doubt. Okay, ma'am. Fine. Next question. Ma'am, I have a doubt. What is your doubt, Chaitanya? अभी तुमको मैं mute करने वाली हूँ. Ma'am, my doubt is that, ma'am, it's like criminal justice system. Ma'am, you told na players hote system mein. So, ma'am, agar koi bhi player, agar maan lo, main public prosecutor ko hata de raha hu, to kya effect padega? Will it, acha effect chodo, wo
कम अफेक्ट होगा या फिर एकदम ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? इफ वी विल रिमूव पब्लिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्रॉम द क्रिमिनल जस्टिस लॉ, who will present the state in this case? मैम कोई और कोई और भी उसी नाम से जाना जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर. सपोज आई एम गिविंग लाइव एग्जांपल, है ना. नाउ यू आर स्टडिंग एसएसटी बाय अंजू सिंह. अंजू सिंह इज जस्ट अ नेम. यू आर स्टडिंग स्टडी बाय एसएसटी बाय योर एसएसटी टीचर. हटा दिए अंजू सिंह को, बट यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड आ जाता है, वो भी क्या जाना जाएगा? आपके एसएसटी टीचर के नाम से जाना जाएगा. ओके चिल्ड्रन, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पोस्ट है वो जो एक पौधा है वो वैसा ही रहेगा. नाउ अब नाउ लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन फंडामेंटल राइट्स, वन ऑफ विच इज राइट टू इन्फॉर्म एट द टाइम अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन बीइंग अरेस्टेड. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ट्रू. I'm true. A boy under 20 years of age and woman cannot be called the police station only for questioning. True. Yes, ma'am. True. I'm true. Ma'am, true. False. False. Because boy under 15 years is correct answer. Yes, ma'am. Excellent. Chaitanya. Please do beta. Please don't do. Otherwise, I have to forcefully, unnecessarily unmute. Mute. Ma'am, मैं जानबूझ के मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ. सही में ये तो कितना अच्छा observation है कि हम लोग तो समझ रहे कि under. This video I'm going to upload in YouTube as well as in your portal. So don't do this. According to DK Basu guidelines, the police officials who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate, and visible identification and name tags with their. True. I'm true. Ma'am, true. In Article 39A, of the Constitution says that every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. False. True. Ma'am, false. True, beta. ओके फटाफट से फिलअप्स कर लेते हैं, देन टाइम इज गोइंग टू बी ओवर. द जजेस हियर्स ऑल द विटनेसेस एंड एनी अदर डैश प्रेजेंटेड बाय द डैश एंड द डिफेंस. द जजेस हियर्स ऑल द विटनेसेस एंड एनी अदर डैश एंड एनी अदर प्रूफ. हाँ, प्रूफ को एविडेंस कहते हैं. ठीक है, द जजेस हियर ऑल द विटनेसेस एंड एनी अदर एविडेंसेस presented by the lawyer को क्या lawyer. अभी जस्ट पढ़े ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूटर. द एफ आई आर ऑल्सो स्टेट्स दैट नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट. The dash and the law both state that every person should carry out their roles in a proper manner. The dash and the law. Yes, constitution. इतना धीरे से क्यों? Constitution is right answer. गुंजन जोर से बोल सकते हो constitution बेटा. Fine. It was the responsibility of the dash to prove beyond responsible doubt that Shanti was not guilty. One storyboard is given there in NCERT book, which yes, ma'am. Yes. हमने discuss किया था शांति के बारे में. अब बताओ क्या था? It was the responsibility of the lawyer. फिर lawyer बोल रहे हो बेटा. Prosecution. For the prosecution. Okay. For today, this much only. Tomorrow or the very next class, we will discuss chapter 4, agriculture. Till then, God bless you. Ma'am, ye gold chain wali story hai na. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.